कोरोना महामारी के चलते हर व्यक्ति की जेबों पर मंदी का असर छाया हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी को लेकर शाजापुर में शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और सरकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की राशि की मांग की। साथ ही बताया कि अशासकीय स्कूलों को आरटीई की 70% राशि सत्र 2018-19 और 20 की 100% राशि अभी नहीं मिली है और इस वर्ष कोरोना काल के कारण स्कूलों का संचालन भी नहीं हो सका है, जिससे स्कूल संचालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि अधिनियम के तहत 25% छात्रों से प्राप्त होने वाली राशि संबंधित स्कूलों के खाते में 15 सितंबर तक प्रदान की जाए, ताकि स्कूल संचालकों को कुछ हद तक आर्थिक मदद मिल सके। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सुजालपुर इकाई और साजापुर इकाई की ओर से आज माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया, क्योंकि हमारे विद्यालय समस्त विद्यालय से साजापुर जिले के कोविड महामारी के कारण बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। फीस नहीं आ रही है और जो सरकार से आरटी के तहत फीस प्रतिपूर्ति की जाती है वो भी अभी 2 वर्ष की फीस प्रतिपूर्ति 17-18-19 और 19-20 की बाकी है। तो हम लोग आज समस्त साथीगण सुजालपुर इकाई से, खोदिया से और साजापुर से कलेक्टर महोदय से निवेदन करने गए थे कि हमारी 18-19 की जो फीस राशि हमारी अभी तक अप्राप्त है, विद्यालय को नहीं मिल पाई है, वह शीघ्र प्रदान कराई जाए। जो आज हम आए कलेक्टर ऑफिस, सारे प्राइवेट यूनिटी के जितने भी हमारे इसमें संचालक होते हैं सभी एक साथ एकजुट होकर आए हैं और कलेक्टर साहब से हमारा ये निवेदन कि हमारा आरटी का जो पेमेंट है, कुछ स्कूल का था 16-17, कुछ का 17-18 और हमारा 19-20 और 20-21, 4 वर्ष का अभी तक हमें कोई आरटी की फीस वगैरह नहीं मिली है। उसके ऊपर से जो पालक भी शुल्क हमें स्कूल में देने नहीं आ रहे हैं, इस कारण अगर हमारी मांगे ना पूरी हुई तो हम 15 सितंबर तक इसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, अन्यथा अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आके करेंगे।